यहाँ पे गलती से भी गाड़ी नहीं भगाना चाहिए भाई, गलती से भी नहीं। तो यहाँ पर हवा भाई इतनी तेज चालू हो गई है और बारिश हुई थी, तूफान बारिश चालू हो गई है कि हम अंदर शेड में फिर भी बारिश से भीग रहे। मतलब आप सोच सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी पूरी जोर से हवा आ रही है और यहाँ पर आप मतलब देख ही सकते हो कि कितना कूड़ा मतलब फैलाया गया हुआ है। कि आपको ये जो दिख रहा है ना, ये तो एक्चुअली बालकनी, मेरे को लगा कोई तो ब्रिज का काम चालू है, फिर पता चला वो तो बालकनी है। और गेस करो किसकी बालकनी रहेगी, अजित पवार की बालकनी है। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के 5 बज चुके हैं, मतलब बज के गए और काफ़ी दिनों बाद, मतलब भाई बरसों हो गए मेरे को इतना जल्दी उठे, पता नहीं लास्ट टाइम इतनी जल्दी कब उठा था। तो अभी मैं जा रहा हूँ अक्षय के साथ लोनावला, टू बी स्पेसिफिक टाइगर पॉइंट, प्लान तो यही हुआ है, आगे देखते क्या होता है। यहाँ पर अक्षय आ गया, वो दिख नहीं रहा। तो अभी बारिश का मौसम है और भाई सब लोग ऐसे ही लोनावला जा रहे हैं, सबकी स्टोरीज देख रहे हो, तो भाई मेरे को फोमो हो गया था, मेरे को और अक्षय को, तो इसीलिए लोनावला जा रहे। तो फटक से हेलमेट पहनते हैं और गाड़ी पे बैठते हैं। एक्चुअली ना हम जा रहे लोनावला मुलशी साइड से। यूजुअली अगर लोनावला जाना होता है तो हम न्यू हाईवे से जाते हैं, न्यू बैंगलोर हाईवे से या फिर ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से, पर हम मुलशी से जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत कीड़ा है एडवेंचर करने का इसीलिए। और यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है तो यहाँ पर पेट्रोल भराने आए। उसके बाद बारिश तो हिंजौड़े में ही चालू हो गई, तो भाई सोचो कि हिंजौड़ी में इतनी जोर से बारिश है कि उधर कितनी रहेगी। तो भाई हम जिस रोड पे जा रहे हैं ना, मतलब बहुत लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है वो रोड पे, और वहाँ पे इतने पॉइंट्स है देखने को। गाइस आपको ये वीडियो में मजा आने वाला है, तो जुड़े रहना ये वीडियो के साथ, स्किप मत करना बिल्कुल भी। चलो निकलते हैं। बारिश में थोड़ा शूट करना मुश्किल है क्योंकि मेरा 2 बार फोन करा हो चुका है बारिश की वजह से, वो भी ब्लॉक के चक्कर में। तो जितना हो सकेगा उतना ही शूट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि भाई मोबाइल फोन रिस्क में नहीं डाल रहे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कभी दूर दूर कभी तू समोर, मन हरवते आस का यार, झिम झिल मिल पाऊ से धारा, तन मन फुलवन जाती, काहे कसे होते ऐसे ही आस लागी जीवा। तो यहाँ पर हम रुक गए व्यू के लिए, तो देख सकते हो ये जो नदी है ना, वो मूला मूथा नदी है। और अक्षय ने बताया कि आपको ये जो दिख रहा है ना, ये तो एक्चुअली बालकनी, मेरे को लगा कोई तो ब्रिज का काम चालू है, फिर पता चला वो तो बालकनी है। और गेस करो किसकी बालकनी रहेगी, अजित पवार की बालकनी है। तो बारिश तो अभी भी चालू है और रोड जो व्यू आ रहा है ना, मतलब जब हम रोड से जा रहे बीच जंगलों में से, तो भाई वो काफ़ी मस्त है। ये देख सकते हो भाई बादल नीचे सब आ गए, ये तो बस शुरुआत है, आगे तो और भी नीचे आ जाएंगे। सहवास तुझा मधुमास, फुलांचा गंध सुखा चाहती, हा धुंधगार वारा, हा कोवळा शहारा, उजळून रंग आले स्वच्छंद प्रीतीचे। तो अभी हम ऑलमोस्ट लोनावला पहुंच गए और मतलब एमबी वैली का एरिया ही है, और पीछे तो छोटा सा वाटरफॉल है, बड़ा नहीं है। तो एक्चुअली अभी भी बारिश गिर रही है, तो मैं मोबाइल फिर भी निकाल दिया है, पहले तो बहुत ज़ोर से बारिश गिर रही थी। और भाई मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है क्योंकि एक ब्लॉक के चक्कर में मेरा पूरा यूट्यूब इस पर डिपेंड है, पूरा यूट्यूब करियर ख़त्म हो जाएगा। और नया फ़ोन अब्बा नहीं दिला के देंगे इतनी जल्दी, इसीलिए रंग प्रीति से गुमसुम सावली अलगद धावली हिरुअली पुनः मखमल प्रेमाची रिमझिम भासले रुणझुण वासले नकळत छेडली सरगम प्रेमाची कधी तू रिमझिम झरणारी बरसा कधी तू
चम करना रे। बारिश अभी पूरी तरीके से बंद हो गई और ये जो व्यू है ना, मतलब पूरा फॉग आ चुका है, पूरे ऐसे बादल आ चुके, कुछ नहीं दिख रहा आगे का। यही व्यू के लिए मैं कब से तड़प रहा था, मतलब एक दो घंटे से तो मतलब गा भी दिख रहा था, कुछ बादल बादल नहीं आ रहे थे। तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है ये व्यू देख के, मतलब देखो कितना मस्त हो गया ये व्यू। और एक्चुअली ना मेरे 2020 की मेमोरीज ऐसे रिकॉल हो रही है, क्योंकि मैं 2020 में ना यहाँ के जो फोर्ट्स है ना, कोराईगढ़ हो गया, तुंग हो गया, तोरना हो गया, तोरना नहीं तिकोना और भी काफ़ी सारे फोर्ट्स मैंने कवर करके रखे थे। तो मैं हर मंडे को आता था यहाँ पर, दिसंबर 2020 के हर मंडे को आता था। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अभी नहीं है वो, तो ये जो रोड है ना, मैं उसके साथ काफ़ी ज़्यादा घुमा हूँ, तो मेरे को मतलब काफ़ी ऐसे नॉस्टैल्जिक हिट कर रहा है। तो उस बार तो यूट्यूबर के साथ आया था, इस बार भी यूट्यूबर के साथ ही आ रहा हूँ। छागणी नवे वाटी मला, कुणी भेटला माझा मला, खुलता कळी उमलून हा मन मोगरा गंधळला, हा भास की तुझी आहे नशा, मला साध घालती दाई दिशा, हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग, हसते सदा मी आता ड्रीमिंग। यहाँ पे गलती से भी गाड़ी नहीं भगाना चाहिए भाई, गलती से भी नहीं। अंकल चौचक चौचक गुरु चौचक, एक ही शब्द मुंह से निकल रहा है भाई। अच्छा रोड ऐसे है क्या भाई? रोड भी नहीं पता चल रहा है मेरे को। इनपुट कर भाई, कहाँ लेके आए अपन? तो यहाँ पे हम आ चुके टाइगर पॉइंट पे फाइनली। और भाई साहब देख रहे हो कि मतलब इतना मतलब बादल दिख रहे, मतलब कुछ सामने दिख रहे नहीं, और मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरे चश्मे में फॉग है या मेरे व्यू में फॉग है, मतलब इतना फॉग है। मैं चश्मा निकाल रहा हूँ तो चश्मा भी निकाल रहा हूँ तो पूरा ऐसे धुंधला दिख रहा है, चश्मा पहनू तो भी धुंधला दिख रहा है। चश्मा पहना तो ज्यादा धुंधला, इसमें को ऐसा देखना पड़ रहा है, देखो ऐसे डाकू मंगल सिंह के जैसे। और यहाँ पर मतलब टूरिस्ट तो काफी ज्यादा है और फॉग की वजह से दिख नहीं रहे कोई भी। और लास्ट टाइम जब मैं आया था ना 2020 में इस टाइगर पॉइंट पे, तो इतना फॉग नहीं था यहाँ पर अभी जब मैं आया हूँ ना, तो भाई देख सकते हो कि हवा इतनी तेजी से चालू है ना, मतलब ऐसे फास्ट फास्ट से जो बादल है वो आगे जा रहे और सब फोटो शूट करने में बिजी है। तो थोड़ा हम भी एंजॉय करते हैं और हो सकेगा तो मैं टाइम लैप्स भी लेने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर आप मतलब देख ही सकते हो कि कितना कूड़ा मतलब फैलाया गया हुआ है, मतलब देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अगर मैं मतलब वैली की तरफ भी देखूँ ना, तो इतना ज़्यादा वो कचरा पड़ा है कि ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है कि इतना अच्छा जगह है और इतना गंदा करके रखा है। तो यहाँ पर हवा भाई इतनी तेज चालू हो गई है और बारिश हुई थी, तूफान बारिश चालू हो गई है कि हम अंदर शेड में फिर भी बारिश से भीग रहे, मतलब आप सोच सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी पूरी जोर से हवा आ रही है। और भाई खाने का तो मन था यहाँ पर महंगा रहता है इसलिए खाना है। तो मोबाइल निकाला था साफ करने के लिए, पानी वगैरह गए रहेगा, और उसी कपड़े में मैंने बैग में डाल दिया भाई। टेंशन है कि हेलमेट तो लगा दिया मैंने उधर, और मतलब एकदम कोने में लगाया ना, तो हवा तो इतनी तेज चालू है कि कहीं हेलमेट भी ना उड़ जाए, मतलब इतनी आप मतलब इमेजिन करो कि हेलमेट भी उड़ा जा रहा है तो कितनी जोर से आवाज आ रही है यहाँ पर। गाइस हमने बहुत बड़ी गलती की है, यहाँ पे आके आते हुए हेलमेट निकाल लिया ना, पूरा गीला हो गया भाई। हाँ ना, पूरा गीला हो गया। अभी तक कितना सही था, बारिश हो रहा था तभी हम लोग सेफ थे लिटरली। पर कब से तो हेलमेट पहन के हम बैठे ना, तो निकालना भी चाहिए ना। ठीक है यार। तो अभी हम सिटी में आ गए, लोनावला सिटी में, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, मुंबई मसाला प्योर वेज रेस्टोरेंट, और यहाँ पर वड़ा पाव खाने आए हैं। और बताता हूँ वड़ा पाव का प्राइस है 24 रुपीज, मतलब कहाँ पर मतलब टपरी में 12 रुपए का मिलता है, यहाँ पर 10 रुपए सिटी समोसा में
नहीं हम मेरे इधर तो 12 रुपए में मिलता है, अभी तो 15 रुपए हो गए। हाँ तो इधर तो 24 रुपए को है और CGST SGST और कोई सा GST लगा के मतलब 4 वड़ा पाव मंगवाए तो 24 into 4 96 हो गया और 4 रुपए टैक्स लगा के 101 रुपीज़ हो गया था। यहाँ पर वड़ा पाव आ गया है पीछे, मतलब इतना महंगा मिलता है यहाँ पर, और कोई ऑप्शन नहीं था मतलब हमारे जो लेन है ना, लेन के साइड में कोई वड़ा पाव का दुकान दिखा नहीं तो यही ऑप्शन था, तो भाई खाते वड़ा पाव आपके लिया है वड़ा पाव। Gats smiling, bhagta tula man jumping, vaate hawe hi good feeling. Ra-ra-ra-ra, asate o gats smiling, bhagta tula man jumping, vaate hawe hi good feeling.